पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई चंद्रमोहन ने सेक्टर 6 में धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों साझा मोर्चा की समस्याओं को सुना। साथ ही मोर्चा के कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सरकार आने पर उनकी सभी मांगे पूरी भी की जाएगी। एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा की पंचकूला इकाई के प्रधान मंजू रानी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के समक्ष अपने विचार रखते हुए उन्हें कहा कि हमारी कई विभिन्न समस्याएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया। इस दौरान मंजू रानी ने चंद्रमोहन से कहा कि कई मर्तबा मुख्यमंत्री व हरियाणा सरकार के अफसरों को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी समस्याओं पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांगे गिनवाते हुए कहा कि समस्त एनएचएम कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा नियमित किए जाने तक एलटीसी ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, अनुकंपा सहायता तथा हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 लागू करते हुए सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई मांगे भी गिनवाई। और मैंने भी आपका एक ज्ञापन पढ़ा, 7 मांगे हैं, वही 7ों के 7ों बिल्कुल जायज हैं। अक्टूबर के एंड में आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके कीमती वोट से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और नवंबर के पहले हफ्ते में, 7 नवंबर से पहले पहले आपकी 7ों मांगी हमने पूरी कर ली है। ये मैं पंचायत में आपको वादा करूँ, मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा इसमें कि एक्स ग्रेशिया स्कीम होनी चाहिए, कोई मर जाए तो उसकी जगह उसका बेटा लगना चाहिए, बिल्कुल जायज बात। आपका पक्का होना चाहिए वो भी सही है, आपका एरियर है वो लिखा है, वर्दी के बारे में लिखा, सारा मैंने जानने हैं। आपको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा, आपने सदा मुझे अपना आशीर्वाद दिया। लगातार सरकार हमारी अनदेखी कर रही है और सरकार का बड़ा ही दुर्भाग्य है जो हमारी मांग को सुनने के लिए अभी तक कोई भी कर्मचारी अधिकारी या कोई इनके दल का नेता हमारे बीच अभी तक नहीं आया है। तानाशाही रवैया अपनाते हुए अधिकारियों ने भी हमें हॉस्पिटल के अंदर से बाहर निकाल दिया है। सर आपका स्वागत है।